में हूँ और दफ्तर है ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का, जहाँ पे बहुत सारे आपको भवन नाथ पासवान जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कहें इस संगठन के लोग हैं। आपकी जो पार्टी है अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, ये किस तरह का काम समाज के लिए कर रही है? ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधाराओं से गली कूचे मोहल्ले समाज के दबे पिछड़े कुचले लोगों के बीच में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है, जिससे उसको हक और हकूक मिल सकता है, जागरूक करने का काम कर रहा है पूरे देश में। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का अधिवेशन अभी 10 नवंबर को होने वाला था, लेकिन धारा 144 लागू होने के बाद यहाँ कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया। आज हमारे पूरे देश के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। आप तेलंगाना से यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या मन में विचार लेकर या किस उद्देश्य के साथ आए हैं यहाँ पे? हमारी तो इच्छा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एकता मंच का जो असल एक्चुअल पॉलिसी है, राष्ट्र में एकता अखंडता और भाईचारा और दलित पीड़ित लोगों को, जितने भी लोगों को गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, जो योजना बना रही है वो योजना वहीं रुक रही है, दलित पीड़ितों के वहाँ तक नहीं जा रहा है, आदिवासी तक तो नहीं जा रहा है। ये अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि जितने भी जो वो वहाँ तक अपने गरीब कुंचे लोगों के आदिवासी लोगों को पहुँचाने का अपना जिम्मेदारी है। तमिलनाडु में परसों ऐसा हो गया संगठना, एक बहुत दुर्घटना हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ दिए। हम उसको बुला के पूछिए, देखो आपको मूर्ति तोड़ने में क्या हो गया, आपका पिताजी के सर काटे तो कैसा रहेगा, वो सोच लीजिए। हम इस तरीके से बोल रहे, फिर आइंदा नहीं करना। हम लोग तो है दलित, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं करता है हमारा। हमारा मकसद है कि सरकार कुछ करे हम लोगों के लिए, दलित पिछड़े हुए हैं। आप लोग जिस तरह से मुहिम चला रहे हैं, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी पार्टी, क्या उस पर आप टिक पाएंगे अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन को जोड़ पाएंगे? क्योंकि ये सदियों सदियों से चला रहा है, बड़ा हमेशा छोटे पे शासन कहें शोषण कहें हर चीज़ करता रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाने के लिए तत्पर रहती है, और हजारों साल से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के कुछ लोग जो है सताए गए हैं, आज वही फिर से, अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें कुछ पढ़ने लिखने के लिए मौका दिया और कुछ हमको संवैधानिक अधिकार दिए, जिसके कारण हम लोग जो है पढ़ लिख करके नौकरी किए और समाज में कुछ स्थान बनाया। लेकिन कुछ लोग जो है फिर से हमें वही हजारों साल पुरानी व्यवस्था में फिर ले जाना चाहते हैं। क्या सरकार इसमें सफल होने दे रही है आपको? सरकार तो अपनी नीतियों पर काम करता है, संविधान में कोई काम नहीं हो रहा है। संविधान की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, संविधान में प्रदत्त अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा, जिस अधिकार के तहत हमको सारे सुख सुविधा सब मिलना चाहिए वो सरकार मुहैया नहीं करा रही है। जो भी सरकारें आई हैं अपनी पार्टी बेस पे, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का कोई नेता नहीं है, पहले वो पार्टी का होता है फिर देश का होता है, तो देश का विकास कैसे होगा? जब देश का विकास नहीं होता है तो समाज का विकास कैसे होगा? दबा कुचला पिछड़ा समाज का आदमी है वो ना डॉक्टर बना सकता है ना इंजीनियर बना सकता है, क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो माध्यम बनाया जा रहा है वो महंगा हो रहा है, और इस महंगाई में दबे कुचले पिछड़े लोगों का कोई सम्मान नहीं हो सकता है, उनको समान शिक्षा नहीं मिल सकता है। हम सरकार, जो भी सरकारें आती हैं उनसे अपील करते हैं कि आप सबको समान शिक्षा दीजिए, समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए। इन सब के बावजूद भी इतना वोट कैसे मिल जाता है? अगर आप देखें अभी महाराष्ट्र की स्थिति, पीएमसी बैंक चुनाव से ठीक पहले बंद हुआ, और ऐसे बहुत सारे करप्शन हो या ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा कि अभी आपने कहा रोज़गार गया, महंगाई बढ़ी, सब कुछ हो रहा है, फिर भी वोट क्यों जा रहा है? क्या दलित जाग नहीं रहा है या पिछड़ा वर्ग जाग नहीं रहा है? इन सब के बावजूद सिर्फ भावनाओं में बह रहा है। देखिए, जो वोट वाली बात है वो आपकी सही है, अभी हमारा समाज एससी एसटी ओबीसी जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, और इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है।
जब तक आदमी हाईली क्वालिफाइड नहीं होगा, जब तक उसको अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं महसूस होगा, वो धर्मांध बना रहेगा। और ये धर्मांधता ही है कि लोग उल्टे सीधे लोगों को वोट देते हैं। जब तक आदमी अपना भला, अपना अच्छा बुरा नहीं समझेगा, वो तब तक अपनी पार्टी या अपने समाज को नहीं जिताएगा। और जब तक उसका समाज शासन में नहीं आएगा, तब तक उसका भला नहीं हो सकता है। सरकार जो है आज उसकी नीति ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट किया जा रहा है। महंगाई इतनी, फीस इतनी महंगी कर दी गई है कि छोटा मोटा आदमी जो है वो बच्चे को हायर एजुकेशन नहीं दे सकता है। इसके खिलाफ लड़ाई है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से आप लोग मैदान में उतरे हैं, जिस मुहिम को लेकर बढ़े हैं, उस मुहिम में आपको सफलता मिले। थैंक यू। आपकी आवाज़,